हेलो एवरीवन, दिस इज गुप्ता एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थर्ड का सेकंड पार्ट। एंड इस वीडियो लेक्चर में जो भी टॉपिक्स है ना, बहुत ही शानदार टॉपिक्स है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के हिसाब से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी हिसाब से। और इस वीडियो लेक्चर में आपको टॉपिक्स के साथ साथ मतलब थ्योरी तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो चलते हैं यार और देख लेते हैं इस चैप्टर में आखिर में है क्या क्या। देखो, जो पहला टॉपिक है आपको दिख रहा होगा कि हमारा ओम का नियम है। देखो, ओम का नियम एकदम बेसिक है, आप इसको एकदम साधारण तरीके से समझ सकते हो। देखो, ओम का नियम जो बताया गया है ना, वो ये बताया गया है, देखो कि ओम का नियम ये बताया गया कि जो वोल्टेज होता है ना भाई साहब, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी जो वोल्टेज होता है यानी जो विभव होता है वो अनुक्रमानुपातिक होता है धारा के, विद्युत धारा आप बोल सकते हो, ठीक ना। अब यहां पर इसका मतलब क्या है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर जैसे कि हमेशा जो वोल्टेज होता है ना भाई साहब, वोल्टेज एक ताकत की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ताकत की तरह, एकदम ताकत की तरह इसको हमेशा माना कीजिए आप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम ताकत, ठीक। वोल्टेज क्या है? एक ऊर्जा है, एक ताकत है। अब ये ऊर्जा ताकत करता क्या है? तो हमेशा क्या करता है ये ताकत, यानी जो वोल्टेज है ये करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ना, ढकेलने का काम करता है। बात को समझिएगा। अब इलेक्ट्रॉन भैया कैसे? तो यहां पर देखिए, अगर कोई भी वायर होता है ना, मतलब कोई भी चालक तार है, अब कोई भी चालक तार बना लो, समझना बात को इसको, कोई भी चालक अब तार बना लो, तो चालक तार के अंदर, याद रखना मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं यहां पर, वो चालक तार है बच्चा। बात समझना कि जो यहां पर मैं शब्द यूज कर रहा हूं वो चालक तार है, यानी चालक का मतलब कोई भी कंडक्टर, ठीक, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, जानते हो बच्चा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ा ही एटरेंडम मोशन करते रहते हैं, यानी इधर उधर गति करते रहते हैं, पता नहीं चलता है, इसी चैप्टर में हमने आपको बता रखा है। लेकिन जैसे ही आप इस तार को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो ना, किसी बैटरी से जब कनेक्ट कर देते हो, तो क्या होता क्या है ना कि ये बैटरी क्या देता है? हमें ताकत देता है, मतलब हमें नहीं, इस वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को ताकत देता है। यानी यहां पर पॉजिटिव अगर पोटेंशियल दें, यानी धनात्मक विभव, यहां पर ऋणात्मक विभव, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचने लगेंगे। तो यहां पर आप देख क्या रहो कि जब हम बैटरी को जोड़ दे रहे हैं इस चालक तार से, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने लग रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे सारे के सारे, सब है कि नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि वोल्टेज एक तरीके से ताकत का काम करता है, एक ऊर्जा का काम करता है। बात समझ में आ रहा है? इसे वैद्युत ऊर्जा भी आप बोल सकते हो बच्चा, क्योंकि जब भी हम जब वोल्टेज देते हैं, यानी हम एक वैद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा का जो डायरेक्शन होता है बच्चा, वो हमेशा आप समझना कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। आपने देखा है बच्चा कि यहां पर जब पॉजिटिव होगा तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगे ना बच्चा, वो बाहर की तरफ निकलते हैं। एक एक चीज, एक एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दूंगा यहां पर, बस आपको करना क्या है कि ध्यान से समझते रहना है और कॉपी पेन लेकर के कुछ कुछ चीजों को लिखते रहना है। बाकी नोट्स ये प्यारा सा आपके लिए फ्री में है, वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको बच्चा बता रहा था कि यहां पर जो है कि यहां पर पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र को बाहर दिखाते हैं हम यहां पर, और नेगेटिव में अंदर दिखाते हैं। तो इस हिसाब से जो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछा जाए, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम ये बताते हैं कि धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होता है। देखो, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, इतना बात आप समझ गए, ठीक ना। तो यहां पर भी तो भैया, यहां पर भी तो हमने क्या किया है, एक बैटरी लगाया है, इस पर भी तो दो टर्मिनल है, तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप कहां बता सकते हो बच्चा, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ये बेसिक आपने चीजें सीख ली, ठीक। यहां पर सबसे जो कंक्लूजन वाली बात क्या है कि जो हमारा जो बैटरी होता है वो एक तरीके का ताकत देता है, किसको? तो इलेक्ट्रॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी एक निश्चित दिशा में गति कर सके। और आप लोग जानते हो बच्चा, आप लोग जानते हो क्या जानते हो यहां पर, कि आप लोग जानते हो कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है बच्चा, ध्यान से समझना, आवेश प्रवाह की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो यहां पर देखो, विद्युत धारा तो आ गया, क्या बात आपको समझ में आ रही है कि यहां पर कुल मिलाकर के आवेश अगर प्रवाह होगा, वो भी किसके कारण होगा बच्चा, वो भी बैटरी के कारण होगा, क्योंकि जब तक आप बैटरी को नहीं लगाओगे तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित दिशा में गति नहीं करेंगे, और जब तक निश्चित दिशा में गति नहीं करेंगे तब तक हमारा धारा का
अच्छे ढंग से प्रवाह नहीं हो पाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा बच्चा? तो यहां पे बच्चा पूरे के पूरे कहानी का कंक्लूजन बस ये समझिए कि यहां पर जो वोल्टेज है ना, एक ताकत की तरह काम करता है, और जब भी ये ताकत अगर आप दोगे तो वहां पर करंट जरूर आएगा, क्योंकि यही जो ताकत है वो वायर के अंदर के, यानी इस तार के अंदर के जो क्या होते हैं भैया, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इस तार के अंदर के, वो उसी इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करता है, यानी खींचने का, ढकेलने का, जो भी बोल लो आप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या इतना दिमाग में आ गया बात? अब यहां पर ये चीज आपने समझ लिया कि जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। तो यहां पर ये जो कंक्लूजन निकला ना कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहां से एक बात आप एकदम कंफर्म कर लो कि यहां पर जब भी आप वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, मतलब जब भी वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो धारा जरूर बढ़ेगा भैया, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज, जितना ज्यादा तार, मतलब जितना ज्यादा आप तार के अंदर अगर वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक निश्चित दिशा में फटाफट गति करने लगेंगे, ठीक ना, उतना तेज खींचने लगेगा। ये कुल मिलाकर के हमारा वोल्टेज, बात समझ में आया, क्योंकि इधर पोटेंशियल पॉजिटिव आप वोल्टेज दोगे, एंड देन यहां पर इसके बाद क्या होगा कि इधर फटाफट खींचेगा, तो जितना ज्यादा वोल्टेज आओ बढ़ाते जाओ तो और ज्यादा है कि नहीं, उतना ही ज्यादा करंट बढ़ने लगेगा। लेकिन लेकिन बच्चा ये भी याद रखना कि अगर आप इस वायर के अवकाश से बाहर अगर वोल्टेज दे दोगे तब ये क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मान लो पतला सा वायर है, वो ये वायर जो है पतला सा है, और आपने जो ये वोल्टेज दे रखा है वो बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो, जैसे कि मान लो कि आप ये जो वोल्टेज दे रहे हो ना, मान लो कि 300 नहीं, मान लो कि 700 वोल्ट आप दे रहे हो, तो ये पतला सा तार है भाई साहब, इसके अंदर 700 वोल्ट दोगे तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे, इतना ज्यादा वोल्टेज को संभाल नहीं पाएंगे, और होगा क्या एट लास्ट कि ये इलेक्ट्रॉन तो गति करेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का गति इतना तेज हो जाएगा ना कि ये क्या होंगे, ये तार को फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे एकदम साफ बात में, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तार को फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे, जिसे आप बोलते हो तरवा तो जल गया हो, यानी तार तो गलने लगा, यही देख करके तो बोलते हो ना, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा तो इस तार के अंदर के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छटपटाने लगेंगे, और छटपटाते माना कि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, लेकिन इनकी गति इतनी तेजी होगी कि तार को फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे, जिसको आप अपने आए दिन में कहते हो अरे तार तो गल गया भाई, है कि नहीं, तार तो क्या हो गया, गल गया। तो यहां पर ये बात आप ध्यान में रखना। अब यहां पर अगर इतना बात आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो चलो अब नोट्स देख लेते हैं यार कि इसमें लिखना क्या है, ठीक ना, देखो कॉन्सेप्ट को समझना आगे है आपको, एंड देन उसके बाद नोट्स आई है यार आपके पास, सेम नोट्स मिल जाएगा, कुल मिला के मजेदार से आपको क्या करना क्या है कि नोट्स को डाउनलोड करो, तैयारी करो यार, कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक हम है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। तो यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर हमने क्या बनाया है कि एक सर्किट ले लिया है, इस तरीके का सर्किट आप दिखा सकते हो एग्जाम में भी, ऐसे इस तरीके का जब सर्किट आप दिखाओगे ना एग्जाम के अंदर, तो जो टीचर के सामने आपका जो पर्सनालिटी होगा ना थोड़ा अमेजिंग तरीके का होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना, तो इतना बात समझिएगा। देखिए तो सर्किट में एक एमीटर लगा दिया है, या देखो ये सर्किट में सब चीज के बारे में बता दे रहे हैं, एमीटर लगा हुआ है, ये करंट को मापेगा, वोल्टमीटर वोल्टेज को मापेगा, ठीक ना, ये जो एमीटर होता है हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ यार, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, देखो ये समांतर क्रम है, ये समांतर क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, एंड दिस इज द रियो स्टेट, इसको बोला जाता है बच्चा रियो स्टेट बोला जाता है, ठीक ना, या एडजस्टेबल रेजिस्टेंस भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है बच्चा, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस या रियो स्टेट बोला जाता है। इसका काम क्या बच्चा, इसका जानते हो काम, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक ना, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, जस्ट लाइक जैसे पंखा में आपका ना एक कुंडी लगा रहता है, पंखा में बोर्ड है तो बोर्ड में एक तो कुंडी लगा रहता है, इस पे 1 2 3 4 नंबर लिखा रहता है, तो अगर ये बोर्ड का कुंडी को अगर आप लोग पंखा को तेज कम करना है तो 1 पर घुमा दिए 2 पर घुमा दिए 3 पर 4 पर 5 पे फिर 0 रहता है, तो 0 पर क्या हो जाएगा, पंखा बंद हो जाएगा, तो वो भी एक रियो स्टेट की तरह काम करता है। तो ये करता क्या है बेसिकली यहां पर, ये पंखा वाला आपका भैया, कि पंखा वाला पंखा को तेज कम करता है कि नहीं, कैसे कम करता है, क्योंकि वो करंट को कंट्रोल कर लेता है भाई साहब, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, करंट का अगर करंट कंट्रोल कर लिए तो वहां पर पंखा तो तेज कम चलेगा ही, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना, तो इतना बात कंफर्म कर लो यहां पर। अब इस तरीके का सर्किट यहां पर बना दिया गया है, ये देखो बैटरी है, बैटरी इस तरीके से जुड़ा गया है, इसको कुंजी बोला जाता है, क्या अब ये कुंजी क्या है, बंद है, ऐसे अगर कुंजी रहता है बच्चा ऐसे, ये सब के बारे में बताऊंगा बच्चा, ऐसा बात नहीं, ठीक ना, ये कुंजी अगर ऐसा है तो ये ओपन कुंजी है, यानी ओपन की है, और यहाँ पर ये बंद हो जाता है, ऐसे कर दोगे तो बंद हो गया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर नोट्स के बारे में आप देख लो थोड़ा सा, ठीक ना, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, सन
1826 में जर्मनी जर्मन वैज्ञानिक एक थे जॉर्ज साइमन ओम, जिनका नाम था, इसका इंग्लिश में भी, इनका इंग्लिश में भी हमने नाम लिख दिया है, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, ठीक ना, एकदम मलाईदार कोफ्तादार देखे, नहीं किसी चालक के सिरों के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा वाली धारा के संबंध में कुछ ना कुछ बताया, ठीक ना, तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा दिया है, ठीक ना। देखो जो भी मैंने बताया ऊपर वही चीज लिखा होगा इसमें, आओ कोई नहीं, ठीक ना। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो जो चीजें लिखी हैं, जो चीजें अगर ऊपर छोड़ गई हैं तो यहाँ पर बता देंगे यार क्या दिक्कत है, यहाँ पर लिखे, अब यहाँ पर लिखा लिखा है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब देखिए भौतिक अवस्था का मतलब यह है बच्चा, यहाँ पर देखिए अगर हमने ये चीज अभी आपको ऊपर बताया और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक ना, तो यहाँ पर इसका भौतिक अवस्था का मतलब यह है ना कि अगर तार मान लीजिए इतना लंबा है, ठीक ना, अगर मान लीजिए इसमें 20 वोल्ट दे रहे हैं, 20 वोल्ट मत दो, चलो तार को जो फाड़ने का नियम आपको बताया था ना वही वाला समझो यहाँ पर, ठीक ना, मान लो कि वहां पर हम दे रहे थे 700 वोल्ट दे रहे थे, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा गति करेंगे और छुटकुट तार को फाड़ करके गला देंगे, ठीक। लेकिन सपोज दैट हमारे पास जो तार है ना बच्चा, वो तार मोटका वाला है, इतना मोटका वाला, इतना मोटका वाला है, सपोज दैट तार हमारे पास इतना मोटका वाला है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना छोटका छोटका, इलेक्ट्रॉन्स का साइज तो बदल नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, लेकिन इतना मोटका तरवा में अगर आप 700 वोल्ट देते हो बच्चा, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों बच्चा? क्योंकि इसका देखो क्या है ना कि इतने पर अगर आप देते हो तो तार गल जाएगा, करंट भी खराब हो जाएगा, करंट उत्पन्न ही नहीं होगा क्योंकि तार तो खराब हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मतलब होगा थोड़ा मोड़ा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पर अगर इसमें अगर आप क्या करते हो ना कि 700 वोल्ट दे देते हो तो इसमें ये तार जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि इसकी जो लंबाई अधिक है और इसकी लंबाई कम है। बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के जो करंट और वोल्टेज है ना, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि भैया अगर अगर इसको परिवर्तन कर दोगे, मान लेते हैं भैया देखो ऐसे नहीं मानो तो ऐसे मान लो कि मान लो इस पे 20 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक ना, तो 20 वोल्ट दे रहे हैं तो ये जो करंट उत्पन्न करेगा ना 20 वोल्ट के हिसाब से मान लो 2 एम्पीयर का करंट उत्पन्न कर रहा है, बात को समझिएगा। लेकिन अगर इसी को 20 वोल्ट दोगे ना भाई साहब, ये 20 वोल्ट, इसको 20 वोल्ट दोगे ना, 20 वोल्ट अगर देते हो आप इसको, तो ये जानते हो 0.5 एम्पीयर का करंट ही केवल उत्पन्न करेगा। क्यों 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 भैया? ये तार ज्यादा लंबा हो गया है तो यहाँ पर इसके अंदर जो रेजिस्टेंस नाम का एक शब्द होता है, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट। अभी इसके बारे में एकदम पूरा बात करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि 20 वोल्ट यानी ताकतवा तो उतना ही दे रहे हैं, ताकत से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ढकेला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? कम धारा हमारा उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अधिक धारा उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि तार का लेंथ बदल गया है, और जब लेंथ बदलेंगे, क्षेत्रफल बदल देंगे, पदार्थे बदल देंगे। अब यहाँ पर अगर सिल्वर के ले लेते हैं, अब सिल्वर के ले लेते हैं, ठीक ना, दोनों सिल्वर के ले लेंगे तो अच्छा खासा करंट उत्पन्न होगा, लेकिन अगर दोनों लोहा के ले लेंगे तो लोहा में क्या होगा कि लोहा में दोनों पदार्थ अलग अलग होने तो करंट अलग अलग उत्पन्न होगा। बात को समझिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इसको। क्या इतना बात समझ में आ रहा है गुरु? तो यहाँ पर वही शब्द लिखा गया है कि चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत रहे। नियत का मतलब बदलिएगा मत, तभी ये वाला चीज सही रहेगा कि मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना धारा उत्पन्न होगा। ये तो पता चला कि तार की लंबाई बदल दिए, अगर तार इतना छोटा था, तार इतना छोटा था, ठीक ना, और फिर तार इतना बढ़न कर दिए, उसको खींच खाच के चाहे दूसरा तार ले आए, तो अगर इसमें 20 वोल्ट दे रहे हैं तो 5 एम्पियर पैदा हो रहा है, तो अगर इसमें 20 वोल्ट देंगे ना तो इसमें जानते हैं 2 एम्पियर पैदा होगा। का है कि यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर ये नियत नहीं रखे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसे तार इतना लंबा था, अब तार अगर इसमें 30 वोल्ट कर देंगे, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? कुछ और पैदा होगा। मान लीजिए 30 वोल्ट कर दिए तो मान लीजिए कि 8 एम्पियर करंट पैदा हुआ, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे अगर जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से ये करंट उत्पन्न होते जाएगा। लेकिन अगर आपका कार्य कर दिया कि तार को बदलने लगे, तार के क्षेत्रफल को चेंज करने लगे, तो यहाँ पर जब वोल्टेज दोगे ना तो उसके हिसाब से फिर नहीं बदला, मतलब उसके हिसाब से करंट नहीं पैदा कर पाओगे आप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इन सबको नियत रखने के लिए बोला जा रहा है कि ये सब नियत रखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? खुद सोचो यार कि अगर वोल्टेज है इतना देर हो, वोल्टेज इतना उत्पन्न हो जा रहा है, तरवा को अगर बड़ा कर दिए या फिर दूसरा तारे ले आए, तो क्या इतना वोल्टेज दोगे तो इतना ही पैदा होगा, अलग अलग ना होगा? फिर ये रिलेशन गड़बड़ा जाएगा ना कि हमारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए तार की भी लंबाई, ताप की, पदार्थ की प्रकृति एवं अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो नियत रखा जाता है। तो तार के सिरों के मध्य विभवांतर किसके बराबर होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, तो करंट I के। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक और हमारा जादूगर आएगा, उस जादूगर का नाम है कौन?
प्रतिरोध भाई साहब, देखो यहाँ पर अब जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया हमने, यहाँ पर बराबर का साइन लगाया, तो यहाँ पर क्या है स्थिरांक आ गया। स्थिरांक का मतलब नियतांक, और नियतांक वो क्या है भैया, आर है, यानी स्थिरांक को हटा करके हम आर लिख देंगे। तो यहाँ पर वी बराबर में क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आर आई। अब यहाँ से आर की जब वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो अभी गुणा में है इसके साथ, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये देखो एक्सप्रेशन आ गया। एंड बी बराबर लास्ट हमारे पास क्या जाएगा, बी बराबर आई आर। अब यहाँ पर जहां पर आर क्या कहलाता है भाई साहब, आर कहलाता है चालक का प्रतिरोध। क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, आर कहलाता है भैया चालक का प्रतिरोध, तो इसकी बात समझिएगा चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्या इतना बात कंफर्म हो गया, कितना बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक ना। यह धारा के मार्ग में रुकावट को प्रदर्शित करता है, क्या करता है धारा के मार्ग में रुकावट को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध करता कुछ नहीं है, बस क्या करता है कि धारा के मार्ग में रुकावट को दिखाता है। अब देखिए प्रतिरोध के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए प्रतिरोध के बारे में अगर और डीपली जानना है तो अभी हम बताते हैं आपको, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अब ये कैसे धारा के मार्ग में रुकावट को पैदा करता है भैया, देखो अगर मान लो कोई चालक है, मान लो कोई तार है, ठीक ना, एकदम सिंपल, यहाँ पर एक तो बल्ब जोड़ दिए, यहाँ पर एक तो बल्ब जोड़ दिए, करंट दे दिए, तो ये सब जो बल्बवा है ना गुरु, ये सब जो बल्बवा लगा रहे हैं हम, ये सब बल्बवा ये प्रतिरोधता है ना, प्रतिरोध का ही तो काम कर रहे हैं कि नहीं, ये धारा के मार्ग में रुकावटें तो पैदा कर रहे हैं ना। पंखा लगा दो, फ्रिज लगा दो, टीवी लगा दो, कूलर, सब प्रतिरोध का काम कर रहे हैं। ऐसे भी समझ सकते हो कि कभी भी जब प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध क्या होता क्या है कि अगर मान लो एक तार का भी प्रतिरोध होता है, बात समझिएगा, एक तार का भी प्रतिरोध होता है, कैसे, तार भी धारा को रोकने का काम करता है। देखो हमेशा जो हमारा जो धारा उत्पन्न करता है वो इलेक्ट्रॉनिक उत्पन्न करता है, ये बात समझिएगा, है ना। धारा उत्पन्न करने के पीछे कारण क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो काम नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वोल्टेज जोड़ दिए हम यहाँ पर, मतलब वोल्टेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर केवल इस इलेक्ट्रॉन को देखा जाए अभी हम लोग, ठीक है, केवल इस इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के साथ लड़ेगा भिड़ेगा। तो अगर इस वाले भी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लड़ेगा भिड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव स्थिति देख आएगा वो, एकदम सिंपल से बात है। तो यहाँ पर ये जब लड़ेगा भिड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त रूप से गति नहीं कर पाएगा, और गति नहीं कर पाएगा तो आप जानते हो जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएगा घंटा आपका करंट नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है भैया कि आवेश प्रवाह की दर, ये सिंपल सा एकदम छुटकुस, आवेश प्रवाह, प्रवाह कहां लिख दिए हो, गजब बवाल कर दिए यार तुम तो, आवेश, आवेश हो नहीं लिख ले जा, आवेश, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह कहाँ होगा, आवेश के मतलब प्रवाह होगा, ऐसा बात नहीं भैया, लेकिन टकराएगा बहुत ज्यादा, मतलब टकराते टकराते बहुत ज्यादा जाएगा ना। तो यहाँ पर लास्टली होगा क्या कि ये टकराते टकराते जाएगा तो ये मुक्त रूप से गति नहीं कर पाएगा, यानी मुक्त रूप से प्रवाह नहीं हो पाएगा, तो कुछ ना कुछ ये भी जो तार है ना इसका, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करेगा। तो या अब इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट को ही तो प्रतिरोध बोलते हैं, तो ये भी रुकावट अपने मतलब आपस में भी रुकावट थोड़ा पैदा करेंगे ना, क्योंकि लड़ेंगे भिड़ेंगे, जाहिर सी बात यहां से आएगा तो इसके साथ लड़ भिड़ जाएगा, तो यहां पर भी रुकावट उत्पन्न हो गया, तो यहां पर भी प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध या तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दो, मतलब कोई भी चीज, बल्ब वल्ब फ्रिज, तो भी प्रतिरोध का काम करेगा, किसी भी तार का भी प्रतिरोध होता है, जैसे सिल्वर का जो तार होता है ना उसका बहुत कम प्रतिरोध होता है, यानी उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इतना बढ़िया चौचक रहते हैं कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी फटाफट एकदम ईमानदार रहते हैं और फटाफट पहुंच जाते हैं, तो ये तार बहुत कम इलेक्ट्रॉन को रोकता है, मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक ना। ठीक, आवेश मुक्त रूप से थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बह पाते हैं इसमें, इसीलिए क्या होता है कि सिल्वर को अच्छा कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि आवेश अगर मतलब कम लड़ भिड़ रहा है इसके अंदर, तो कम लड़ेंगे भिड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मुक्त रूप से यह प्रवाह होगा और वहां पर क्या होगा, हमारा करंट अच्छा खासा उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है। अब अगर कल का कम लड़ेंगे भिड़ेंगे तो इसीलिए सिल्वर क्या होता है ना बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। वही आयरन को अगर ले लेंगे तो आयरन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा लड़ते भिड़ते हैं, बहुत आरामी किस्म के साइन होते हैं ये सब, ठीक ना। देखो अच्छा, देखो अब यहाँ पर ये आप समझ गए होगे, ठीक ना। तो यहाँ पर ये धारा के मार्ग में रुकावट को प्रदर्शित करता है वगैरह वगैरह, ठीक ना। इतना कहानी आप समझ लिए तो अब आप हम लोग आगे चलते हैं, ठीक ना। अभी और भी बात करेंगे, ऐसा बात नहीं कि हम लोग इसके बारे में यानी प्रतिरोध बबुआ के बारे में बात नहीं करेंगे, प्रतिरोध बबुआ के बारे में बात करेंगे हम लोग, बात समझ में आ रहा है। तो चलो और आप नीचे देख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए
एक ग्राफ भी देख लिए, फिर विद्युत धारा पे आते हैं। अभी जितना ही बताया था ऊपर उतना आप समझ गए होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ पर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। हमने क्या बताया कि जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे क्या बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगा, ठीक ना। अगर वोल्टेज घटा दोगे तो आई भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो जो वी आई मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ रहता है ना, इस तरीके से पैरेलल जाता है। पैरेलल का मतलब ना देखो, जितना ये पार्ट है उतना ही तो ये पार्ट है ना, यानी जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हो उतना ही धारा बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अरे ये वाले देखो, ये वाला जितना पार्ट है वो भी ये इतना ही पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ले। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो इतना पार्ट है उतना ही तो यहाँ है ना। तो यहाँ पर ये दोनों दोनों के दोनों चीजें बराबर है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो इस चीज से कि इसका जो ग्राफ जाता है स्ट्रेट जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, धारा बढ़ते जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक ना। इतना बात समझ में आ गया होगा बच्चा, तो चलते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं और भी टॉपिक्स को। क्या बात समझ में आ रही है, चल देखो। अब यहाँ पर बच्चा आप देखो कि यहाँ पर क्या है कि विद्युत प्रतिरोध के किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये हमने बता रखा था, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर R वाला हमारा आ गया था, R बराबर V बाई I होता है। अब यहाँ पर बच्चा इससे संबंधित और भी चीजें देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चा। बस आप शांति से, मन से, एकदम शांति से चुपचाप बैठ कर देखते रहो कि क्या क्या हमारे गुरु जी बता रहे हैं हमको, ठीक ना। बाकी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी किसी भी चीज में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो SI मात्रक है, इसका SI मात्रक क्या है कि R बराबर V बाई I। तो ये तो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, ये क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में इस फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चा R बराबर V बाई, तो V को क्या वोल्टेज से हम अगर मात्रक निकाल रहे हैं तो V को मात्रक क्या होता है, वोल्टेज होता है, यानी वोल्ट में उसको नापेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी इसको इस तरीके से ले सकते हो बच्चा कि वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ओम बोलते हैं, ओम 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 ओम। ये तो जादू वाला पिक्चर वाला देखो, देखोगे नहीं तुम आप लोग, जादू जो पिक्चर हो, जादू ओम 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 ओम। देखो अब यहाँ पर देखो, देखो यार देखो, अब यहाँ पर देखो ये बीमा अगर हम निकाल लेते हैं, ये LIC जीवन बीमा नहीं है, ये बहुत अलग सा बीमा है। इसका जो रिलेशन होता है वो मात्रक से ही सीधे कनेक्ट होता है। इसका बहुत ज्यादा यूज भी है, आप मात्रक भी निकाल सकते हो इस बीमाओं का यूज करके। तो देखिए यहाँ पर आप देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर अब यहाँ पर आप क्या है, बीमा निकाल लेते हैं बच्चा। तो बीमा R बराबर V बाई I हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूले से हम बीमा निकाल लेते हैं कि V का अगर हमें आगे V का बीमा चाहिए तो V का देखो बीमा निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू में W बाई क्यू होता है। ये सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रखा है कि ML स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है, तो AT। तो यहाँ पर ML स्क्वायर T इनवर्स T A इनवर्स, तो ये कुल मिलाकर के किसकी बीमा आ गई बच्चा, ये एक ही आ गई यार। अरे देखो ये W की बीमा याद रखो, Q की बीमा आप लोग जानते हो कि Q बराबर IT होता है। तो I का जो बीमा होता है एम्पियर उसको दिखाते हैं, और T को मतलब टाइम को T से, तो AT Q का हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, यानी जब देखो ये क्या होगा बच्चा कि यहाँ पर M L स्क्वायर है, A को ऊपर भेज दो A इनवर्स हो गया, T को ऊपर भेजोगे T इनवर्स होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस टू है T ऊपर T इनवर्स वन, और यहाँ पर ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ जाकर T इनवर्स थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो पूरा का पूरा आ जाएगा ऊपर, क्योंकि V का जो बीमा है ऊपर रख दिया है, I धारा का बीमा A से दिखाते हैं तो A रख दिया है। अब यहाँ पर देखो ML स्क्वायर हो गया, T इनवर्स थ्री हो गया है, और यहाँ पर देखो A जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस वन में बन जाएगा। अब A के ऊपर माइनस वन, माइनस वन क्योंकि ये बेस सेम है, तो जो घात होते हैं उसको क्या कर देंगे बच्चा, जुड़ जाए, जोड़ देंगे ना। तो यहाँ पर जोड़ देंगे उन दोनों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्स टू। क्या बच्चा बात समझ में आ रहा है? तो आपका जो बीमा आ जाएगा ये इतना आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चे समझने में, इतना बात आप याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप समझिए कि प्रतिरोध की निर्भरता आप समझते हैं, किस क्या समझते हैं बच्चा, प्रतिरोध की निर्भरता। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चा। क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्रतिरोध की जो ताप पर निर्भरता है होती है ना बच्चा, वो एकदम 100% आने की संभावना होती है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पे। ये और ये भी जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप न्यूमेरिकल, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ बच्चा। एक बात याद रखना कि जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे ढंग से पढ़ो, जैसे कि न्यूमेरिकल्स भी आप ज्यादा ज्यादा सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आगे आपका बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम दोगे ना बच्चा, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करो आप लोग, ठीक ना। तो इसीलिए ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी आप लोग लेकिन ध्यान दोगे, क्योंकि आगे के सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आपका पेपर पैटर्न आएगा, OMR शीट मिलेगा, उसी पर आपको
गोला गोला करके एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी से ही तैयारी करोगे ना, आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। क्या बात इतना समझ में आ रहा है? इतना अगर बात समझ में आ रहा है तो एकदम ये चीज किया करो आप लोग, ठीक। जो चलते हैं और हम लोग देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पहला है वो है चालक की लंबाई, यानी अब देख लेते हैं प्रतिरोध क्या निर्भर करता है चालक की लंबाई के ऊपर। तो हाँ जी, तो करता तो है, लेकिन प्रभाव कैसा होता है, कैसा कैसा ये बदलाव दिखाता है हमें चालक के अंदर, वो देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप सीधे सीधे समझिए कि देखिए जो आर होता है ना वो एल पे डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखिए अगर यहाँ पर देखिए, आपने प्रतिरोध के बारे में यही जाना कि ये क्या करता है ना, ये रुकावट है, किसके आवेश के प्रवाह में रुकावट है, ठीक, या धारा के प्रवाह में रुकावट है। अगर आवेश के प्रवाह में रुकावट बोला जा रहा है तो धारा के प्रवाह में भी रुकावट होगा, क्योंकि धारा आवेश से ही आया है, ठीक ना। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि यहां पर जो ये है धारा के प्रवाह में रुकावट है। अब धारा तो आवेश से आता है, यानी आवेश के प्रवाह में भी रुकावट होगा। अब यहां पर देखिए कि अगर मान लीजिए तार आपका थोड़ा छोटा है, यानी उसकी लंबाई एल है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर हम इसको बैटरी से जोड़ दें तो यहाँ पर पॉजिटिव मान लेते हैं, तो अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये दौड़ता दौड़ता आएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये दौड़ता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है इससे भी टकरा सकता है, इससे भी टकरा सकता है, ठीक ना। आसान बात नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो फटाक से पहुंच जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जा रही है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन टकराता है, या फिर ये मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन टकराता है, अब जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे आयंस होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी टकरा सकते हैं, और बहुत सारे एटम्स भी होंगे, यानी बहुत सारे परमाणु भी तो होंगे ना, उनसे भी टकरा सकते हैं। तो यहां पर होगा बच्चा यूं कि यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स टक्कर करते हैं, तो टक्कर करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर आवेश अच्छे तरीके से प्रवाह नहीं कर पाएगा, यानी रुकावट उत्पन्न हो रहा है। तो यानी रुकावट उत्पन्न हो रहा है तो यहां पर धारा का प्रवाह अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। देखिए यहां पर, ठीक, तो यहां पर जो ये प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक ना, ये प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अगर इसी तार को हटा करके हम बड़ा तार ले लें, अब बड़े तार में देखें, तो देखो बच्चा अगर अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा ना यहां से देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन आता तो यहां पर धीरे धीरे करके पहुंच जाता यहां पर, लेकिन अब यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा, यहां वाला अगर यहां पर आने की कोशिश करेगा तो देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन को कितना लड़ना भिड़ना पड़ेगा, कितना लड़ना भिड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा लड़ना पड़ना पड़ेगा बच्चा, बहुत ही ज्यादा लड़ना भिड़ना पड़ेगा। तो यहां पर कहने का मतलब है कि ये सब इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा लड़ना भिड़ना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा रुकेंगे ना, बहुत ज्यादा रुकावट पैदा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा रुकावट पैदा हो जाएगा तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी जो प्रतिरोध होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है लेंथ के, यानी जितना लेंथ बढ़ाते जाएंगे, देखिए लेंथ बढ़ गया तो उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेंथ कम था, लेंथ क्या था, कम था, तो प्रतिरोध भी देखिए उतना ही कम था, मतलब थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब लेंथ कम था तो प्रतिरोध उतना ही कम होगा। देखो ये छोटा सा हमने बना रखा है, ठीक ना, छोटा सा एरो, लेकिन जैसी लेंथवा को क्या कर दिया हम, बढ़ा दिया, इतना बड़ा लेंथ कर दिया, तो प्रतिरोध भी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। कहे कि इलेक्ट्रॉनवा के जाने में बहुत देरी लग जाएगा ना, बदवा का समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, ठीक ना। तो यहां पर आप शॉर्टकट में अब ये समझोगे कि हाँ, ये लेंथ जो है, मतलब जो प्रतिरोध है वो तार के लंबाई पे निर्भर करता है, यानी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। अगर लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लंबाई घटा दोगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? चलो अगला देख लो, अगला देख लो, तो मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े देख लो। अब यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखो बच्चा यही है। अब इसका देख लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देख लेते हैं, ठीक ना, मतलब वही देखना है यार। देखो बच्चा, हम इसको आपको इस तरीके से समझाते हैं। मान लो आपके पास दो दरवाजा है, अगर एक ये दरवाजा हो गया और एक बच्चा आपके पास इतना बड़ा दरवाजा है। बात समझ में आ रहा है? समझना, देखो दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक इतना बड़ा दरवाजा है, दरवाजा थोड़ा स्टाइलिश बना देता है बच्चा, एक इतना बड़ा दरवाजा है, ठीक। अब बच्चा आप लोग से पूछा जाए कि क्या इसमें से अगर 6 इंसानों को गुजारना है, इतने छोटे इंसानों में, मतलब इतने छोटे दरवाजे में से इतने लोगों को गुजारना है, तो क्या अच्छे ढंग से गुजर पाएंगे? नहीं ना, बड़ा ठूसम ठासम करेंगे। लेकिन इतना ही अगर लोगों को यहां पर से गुजारा जाए तो ये आसानी से गुजर जाएंगे। इंसानों की जगह पर इलेक्ट्रॉन को रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन है यहां पर, अगर इतना छोटे से जगह में, तो ज्यादा धक्का मुक्की करेंगे ना, ज्यादा धक्का मुक्की करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से नहीं गुजर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी प्रतिरोध ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर एरिया कम है, एरिया कम है
मतलब क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा है, क्या ज्यादा धक्का मुक्की करेंगे ना, और यहाँ पर यही इलेक्ट्रॉन वहां क्या करेंगे, जाएंगे बढ़िया से एकदम चौचक घुस जाएंगे। यानी जैसे आप एरिया बढ़ा देते हो बच्चा, तो वैसे प्रतिरोध क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एरिया कम प्रतिरोध ज्यादा, और एरिया ज्यादा कर दोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, हो जाएगा बच्चा, वो ऑलरेडी ही कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसका जो रिलेशन बनता है ना बच्चा, वो ये बनता है कि प्रतिरोध इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली का मतलब इसको 1/2 कर देते हैं बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। क्या इतना बात आपको बच्चा समझ में आ रहा है कि ये, तो यहाँ पर भी देखो वही चीज है कि उतना ही, यहाँ पर भी तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से हम उतना ही इलेक्ट्रॉन को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एरिया कम है तो यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा होगा, ज्यादा रुकावट। प्रतिरोध का मतलब तुरंत दिमाग में आपके बच्चे आना चाहिए कि रुकावट, जैसे ही प्रतिरोध का नाम सुने आप एकदम आपके दिमाग में झन्नाटेदार तरीके से आना चाहिए रुकावट, यानी किसी चीज को रोक रहा है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा, चलो यहाँ पर एरिया ज्यादा कर दिया आपने तो यहाँ पर प्रतिरोध ऑलरेडी कम हो जाएगा, यहाँ पर एरिया कम था बच्चा, ठीक। तो ये रिलेशन को आप समझिएगा बच्चा, बात समझ में आ गया, तो इसका भी रिलेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक, कि आर जो होता है वो आर क्या होता है, 1/a होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक ना, यानी अनुक्रमानुपात, आर अनुक्रमानुपाती होगा किसके, 1/a के, यानी प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या इतना बात समझ में, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एक ऊपर यानी इसकी वैल्यू, और यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यानी एरिया अगर बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम रुकावट, और एरिया अगर कम कर दिए तो यहाँ पर प्रतिरोध झन्नाटेदार बढ़ जाएगा। का है भैया, का है कि एरिया कम कर रहे हो तो ठूसम ठासम ज्यादा होगा, तो आवेशवा कहाँ प्रवाह कर पाएंगे भैया, आवेश जब प्रवाह नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जाहिर बात है प्रतिरोध हो ही जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है ना, तो ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए दो आपके पास इक्वेशन आया है, देखो बच्चा एक ये इक्वेशन हमने आपको बताया अभी, ठीक, ये एक इक्वेशन ये बताया हमने, और यहाँ पर देखो बच्चा एक इक्वेशन यहाँ पर, ये दूसरा इक्वेशन यहाँ पर, ठीक ना, समझ ना, एक एक चीज समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस आपको सावधानी से पूरे पूरे लेक्चर को देखना है, ठीक ना। और यार लाइक कर दिया करो यार, कभी मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी कर दिया करो, क्योंकि यही सब चीजें हमें मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, बस लाइक एंड कमेंट, बाकी सारी चीजें फ्री में है यार और हमेशा फ्री में रहेंगे, ठीक ना, एजुकेशन फ्री में होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर देखो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये देखो अनुक्रमानुपाती होता है, तो वो तो ऊपर नया ऊपर हमने बता दिया था आपको। अब देखो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो आर प्रोपोर्शनल एल था और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a था, दोनों को जब मिला दोगे, मिलाने के बाद ये जाएगा एल बाई ए। अब यहाँ पर देखो एल बाई ए तो आ गया, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक और नियतांक आ जाएगा जिसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। फिर से बच्चा बोलो एक बार, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलोगे बच्चा, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या नाम होता है बच्चा, फिर से बोल दो झंडाटेदार तरीके से फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है एकदम, ठीक ना, एकदम चैप्टर को उड़ा डालो एकदम, किताब साल भर के बाद देखे कोई तो लगे कि अरे यार ये तो एकदम किताब का धजिया उड़ा दिया, एकदम फाड़ कर रख दिया किताब एकदम, ठीक ना, ऐसा पढ़ो एकदम, ठीक। अब ये नहीं कि जबरदस्ती मुंह से नोच के फाड़ने लगे, ऐसा मत काम करना, ठीक ना। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर इसी को प्रतिरोधकता ही बोलते हैं बच्चा, ठीक ना, इस रूप को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है बच्चा, इस रूप विशिष्ट और इसे प्रतिरोधकता बोला जाता है, और जो रो होता है आर पे डिपेंड करता है, यानी ये आवे मतलब धारा के प्रवाह में रुकावट है, तो ये भी कुछ उसी टर्म्स में होगा होता है, और ये हमेशा तापमान पे भी निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कौन, रो, मतलब हर पदार्थ के लिए, सिल्वर के लिए, एल्युमिनियम के लिए, हर पदार्थ के लिए इस रो का मान अलग अलग होता है। क्या बात समझ में आ रहा है, चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी रो के बारे में और भी कहानियां बताएंगे, ऐसा बात नहीं है कि छोड़ देंगे यही पैर बना बना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आ गया, तो रो का हम एसआई मात्रक देख रहे हैं बच्चा, ठीक ना, तो रो बराबर में क्या होता है आर एल बाई ए, क्योंकि अरे यार इसको इधर भेज दो और एल को इधर ले आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर ए बाई एल नहीं हो जाएगा कुल मिला करके, तो यहाँ पर वही लिखा है आर ए बाई एल हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, ओम होगा, ए क्या होगा, एम स्क्वायर होगा, बाई में एम हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ओम आ जाएगा, तो ओम, और यहाँ से एक मीटर भी बच जाएगा ना, तो यहाँ पर ओम मीटर इसका क्या हो जाएगा एसआई मात्रक। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए बच्चा, ये भूलना नहीं है आपको, इतना गारंटी रखो कि ये सारी सारी चीजें बेसिक है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यही आपके न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, विश्वास मानो एग्जाम में आपका मतलब ओम वाला जो टॉपिक है उससे गारंटेड मानो कि एक या दो न्यूमेरिकल्स आ ही जाने हैं, एकदम गारंटेड मानो, या तो टॉपिक, या तो ये थ्योरी, या तो न्यूमेरिकल, तो दोनों चीजें हम आपको बच्चा सिखाएंगे बताएंगे, ठीक ना, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं, इतना बात याद रखना, ठीक ना।
अब यहां पर बच्चा देखो, एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा, अब एक ओम की परिभाषा ये, एक गुलाम की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा, ये देखो एकदम सिंपल होता है, एकदम मतलब हलवा, एकदम मक्खन होता है एकदम, ठीक ना। इसको आसान से समझ जाओगे। देखो ये फॉर्मूला आप जानते हो, आर इक्वल टू में वी बाई आई, क्योंकि आर का ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये आप जानते हो ना, बस यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर जब ये चीज जानते हो, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, देखो एक ओम की परिभाषा कभी भी पूछे ना, तो आगे हमें आर का ही मात्रक क्या है, ओम है, तो यानी आर का मान हमें एक ओम लाना पड़ेगा, तब तो हम एक ओम की परिभाषा बता सकेंगे। समझना बच्चा, अगर एक ओम की परिभाषा पूछा जा रहा है, यानी आर की वैल्यू एक लानी पड़ेगी। अब भैया एक कैसे आएगा, तो यहां पर देखो बच्चा, यहां पर आप एक मान लो, इसको एक मानने में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर करंट को भी एक मान लो। अब इन दोनों को जब रखोगे, एक बटा एक हो जाएगा, तो एक ओम आ जाएगा यहां पर, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, एक ओम आ गई। अब यहां पर आर की वैल्यू अगर एक आ गई, तो इस परिभाषा को कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। क्या कैसे इस बच्चा, इस परिभाषा को कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब यहां पर इसकी परिभाषा, अगर R बराबर एक आ गया, कैसे, जब हम वोल्टेज को और यहां पर करंट को एक एक माने, ठीक, यानी वोल्टेज को और करंट को हमने एक एक माना बच्चा यहां पर, तो हमारा यहां पर क्या आ गया, एक ओम आ गया। अब देखो इन्हीं तीनों को रिलेट करके परिभाषा बनता है कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर एक वोल्ट, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो, एक वोल्ट हो, तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान एक एम्पियर हो, तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना हो बच्चा, एक एम्पियर हो, एक एम्पियर हो, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, एक ओम के बराबर। तो उसका जो प्रतिरोध होगा बच्चा, वो एक ओम के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि अगर किसी चालक के सिरों के मध्य अगर वोल्टेज इतना दे रहे हो, करंट इतना दे रहे हो, जाहिर सी बात है यार कि प्रतिरोध एक ही आएगा, ये पागल बनाता है हमेशा, ठीक ना। लेकिन हम इसी तरीके से डिफाइन कर देते हैं भले ही, लेकिन ये राइट तरीका है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पर एक एक रखेंगे तो एक ही आएगा, तो अगर वोल्टेज एक वोल्ट है, एम्पियर एक वोल्ट के कारण जो धारा था एक एम्पियर पैदा कर दिए हम, तो वहां पर जो धारा, जो प्रतिरोध का मान होगा वो एक ही ओम आएगा। मतलब यहाँ पर धारा के प्रवाह में रुकावट कितने ओम का है, एक ओम का है, बस यहाँ पर बात खत्म। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर ये कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, कि अभी हम लोगों ने रो के बारे में बात की थी, तो रो के बारे में अभी एक कुछ और बात कर लेते हैं। क्या था, हम जानते हैं कि रो बराबर में, सॉरी आर बराबर में इतना होता है, ये आपको फॉर्मूला कैसे आया पता होगा कि यहाँ पर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था, कौन, आर, आर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था बच्चा, कौन कौन चीजों पर, तो एक लंबाई पर, एक क्षेत्रफल पर, जब इन दोनों को मिलाए थे तो यही फॉर्मूला हमारा पैदा हो गया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो रो बराबर में आर ए बाई में एल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो रो क्या है, प्रतिरोधकता थी। अब प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध इसी को बोला जाता है, तो इसके हम क्या कर लेते हैं, इसके फॉर्मूले के, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक ना। फॉर्मूला तो यहाँ पर है यार, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, आर ए बाई एल, ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा, स्वाहा, गुरुजी पंडित बन गया आपके। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखो रो बाई इक्वल टू में क्या हो जाए, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का डेफिनेशन देख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चा, तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का जो डेफिनेशन होगा वो भी इसी तरीके से बनाया जाएगा, जिस तरीके से ऊपर वाला हमने बनाया। देखो अब यहाँ पर देखो प्रतिरोधकता की परिभाषा देखो कैसे बनाएंगे, ये सब एकदम एक मतलब प्रतिरोधकता, ये सब एकदम मान मान के बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे हम, ये जो प्रतिरोधकता है उसके फॉर्मूला में जो एल है ना उसको एक मीटर मान लो, यहाँ पर जो ए है ना उसको एक मीटर स्क्वायर मान लो, ठीक ना, इतना मान लिए। तो यहाँ पर एक रख दोगे ये भी हट जाएगा, यहाँ पर एक रख दिया ये भी हट जाएगा, रो बराबर में कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। देखो एक एक रख दिया ना, रो बराबर में क्या आ गया, एल। यानी अगर कोई तार है तो तार के अंदर हमने क्या कर लिया है कि उसकी जो तार की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए का जो मान है वो एक मान लिया था, और लंबाई भी क्या मान लिया है, एक। बता रहे हैं ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो एक एक मान लिया, तो यहाँ पर रो बराबर में आर हो गया। यहाँ पर अब इससे इसकी परिभाषा कैसे निकालोगे बच्चा, इसकी परिभाषा आप ऐसे निकालोगे बच्चा कि यहाँ पर प्रतिरोधकता उस चालक प्रतिरोध के बराबर होता है, मतलब प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। आर प्रतिरोध को दिखाता है, प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता जो होता है उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। देखो दोनों बराबर है कि नहीं बच्चा, बराबर होता है, जिसका लंबाई एकांक हो, जिसका लंबाई क्या होगी, एकांक होगी, यानी एक मीटर होगा, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा, वो भी एकांक ही होगा, यानी वो भी एक मीटर स्क्वायर ही होगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा, बात क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, गुरु जी बात समझ में आ गया आपका, ठीक ना। तो यहाँ पर अब आगे हम लोग टॉपिक्स को देख लेते हैं कि अब क्या है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से आपके जो टॉपिक्स थे वो खत्म हो गया, अब थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बाकी अभी तो थ्योरी हम लोग को बहुत सही से पढ़ना है ना, ठीक ना। तो इसके बाद हम मतलब कि पढ़ेंगे किसके, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता, ठीक ना, वो एकदम भैया वो रामबाण है आपके लिए, रामबाण, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता।
यानी बात समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन जितने भी टॉपिक्स पढ़े ना उस पर शानदार न्यूमेरिकल लगवाते हैं। अच्छा ये एक काम करो कि इस न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व करो और हमें आंसर बताओ इसका, ठीक ना? ठीक, खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए इसका। हम नहीं जानते गुरु 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 गुरु, न्यूमेरिकल्स है आपके पास तो उसका आपको क्या बनाना है, आंसर बताना है, तो ठीक ना? तो चलिए और इसका आंसर बताइए फटाक से, नहीं अगर आप कर पाओगे तो हम बताएंगे, ठीक ना? तो आप लोगों ने लगा लिया, लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो देख लो यहाँ पर, ठीक ना? अब यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ पर देख लेना, ठीक ना? देख लेना थोड़ा सा, ठीक। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो भाई साहब बोल क्या रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि हमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है, ये 10 वोल्ट है, ये 38 ओम यहाँ पर प्रतिरोध का मान दे रखा है, ठीक ना? और यहाँ पर क्या दे रहा है, ये वोल्टेज। देखो यहाँ पर बात समझना यहाँ पर यार, कि यहाँ पर ये क्या होता है, विभव या विभवांतर मान लो, इसको विभवांतर मान लो, दो वोल्टेज दिया तो विभवांतर मान लो। और ये क्या होता है भैया, एक अदिश राशि होता है, क्या होता है ये, एक अदिश राशि होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में, इतना बात कंफर्म हो रहा है कि ये एक अदिश राशि होता है। तो यहां पर क्या करोगे आप, कि यहां पर वोल्टेज हमेशा अगर V2-V1 यानी अगर विभवांतर अगर निकालने की बारी आती है, यानी V21 निकालने की या V12 जो भी निकाल लो, विभवांतर यानी दो बिंदु जब होते हैं तो दोनों के बिंदुओं के विभवांतर हम निकालते हैं, ठीक ना? यानी विभव में अंतर। यहाँ पर आप एक बात समझने वाली है कि अगर देखो तार यानी आपके जो बैटरीज हैं इस तरीके से जुड़े हैं कि प्लस से माइनस है, तो माइनस से प्लस इस तरीके से या प्लस से माइनस, ठीक ना? अपोजिट साइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सब वोल्टेज को क्या करोगे आप, ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। अगर सिमिलर आवेश है, ठीक ना, यहाँ पर देखो सिमिलर पोटेंशियल है, अगर माइनस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, माइनस करोगे। ये आप इसके हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो बच्चा, बात समझ में आ रहा है? तो इसके हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दो, तो ये याद रखना, ठीक ना? तो अब यहाँ पर देखो क्या किया गया, कि यहाँ पर एक बैटरी, यहाँ पर एक बैटरी, तो यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो, देखो इसका माइनस इसके माइनस से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक ना? तो इस केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे बड़े वाले से छोटे वाले को, क्योंकि अदिश राशि है तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है आपको, ठीक ना? तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ये निकल गया, यानी वी की वैल्यू निकल गई, तो वी की वैल्यू माइनस करके निकाला, सीधे सीधे रख दिया ना यार, यहाँ पर आर की वैल्यू प्रतिरोध की वैल्यू कितनी दी है, इतना दिया, तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर आ जाएगा 195/38 आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है? और इसको काट दो यार, काटने के बाद 5 एम्पियर यानी धारा का मान कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बात ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये वाला ट्रिक बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बम फूट रहा है, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है लगाइए और लगा के करके बताइए हमको, ठीक ना? थोड़ा सा ठीक लगाइए गुरु, लगा करके वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत लगा के बताइए, बात समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए चलिए पॉज करके आप लगाइएगा, अगर आपको लगाने का मन कर रहा है तो हम बताते हैं, ठीक ना? यहाँ पर बोल क्या रहा है ना, कि 1 मीटर लंबी धातु छड़ के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर है, मतलब विभवांतर दे रखा है 2 वोल्ट का, तार की लंबाई दे रखा है 1 मीटर, चलो भैया लंबाई भी दे रखा है, यदि धातु की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब भैया रो, रो की वैल्यू दे रखी है 50×10⁻¹, ठीक, ये दे रखा है, एंड ओम मीटर हो, इसमें इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जा रही है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने हो जाएंगे, इतना हो जाए, हो तो वो भी क्या है, प्रति मीटर क्यूब में, ठीक ना? मतलब इतने आयतन में हूँ, फैले हूँ, वो तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना करना है, यानी छड़ के अंदर जो औसत जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अनुगमन वेग की गणना करना है। देखो अब यहाँ पर जो इतना मटेरियल दे रही है भैया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ना अनुगमन वेग का, VD बराबर में NE, सॉरी ये देखो, अरे रुको यार, जे बराबर में एनी वीडी होता है, तो वीडी का जो फॉर्मूला हो जाता है बच्चा वो होता है जे बटा में एनी। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अब इतना वीडी हमको, तो वीडी चाहिए ना, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एन और ई चाहिए। देखो एन यहां से मिल जाएगा हमको, ई की वैल्यू जानते हो कि ई की वैल्यू वो क्या होता है बच्चा, 1.6×10⁻¹ कूलम, तो इसकी वैल्यू तो जानते हो। अब हमें चाहिए क्या, जी की वैल्यू चाहिए। अब जी की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास ये मटेरियल दिया हुआ है कि वी है, एल है और रो है, तो क्या जी की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी बच्चा, ठीक ना? कोशिश करो निकल जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पर तो बैठे ही हैं आपको बताने के लिए, बात समझ में आ रहा है? देखो एक रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चा कि यहाँ पर R बराबर में रो L बाई में E होता है, और इसी के साथ साथ अगर रो बराबर में निकाल देंगे तो आर ए बाई एल हो जाएगा, और आप यहाँ पर बच्चा जानते हो कि वी बराबर में क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से ये वाला मत देखो,
यहां से क्या कर सकते हो, रो की वैल्यू यहां पर रख दो, तो कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे ना, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे ना, तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, भले ही क्वेश्चन लास्ट में गलती हो जाए बच्चा, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर आप क्वेश्चन को गलती करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि इस तरीके का मेथड गलत है, तो आप उस तरीके के मेथड को कभी अपनाओगे नहीं, हमेशा राइट फिर डायरेक्शन चूज करोगे उस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए। क्या बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो ये बात याद रखना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, वीच कल टू में 2 वोल्ट है, मतलब V का जो मान है बच्चा वो क्या वो दे रखा है कि 2 वोल्ट दे रखा है, और रो का मान इतना है और N का मान इतना दे रखा था, ठीक ना। अब देखो रिलेशन जो हमने बोली की बात करती कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बच्चा R बराबर में इतना होता है, V बराबर में I R, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जानते हो। अब यहाँ पर देखो बच्चा V इक्वल टू में, अब I R के जगह पर रोयल बाई A लिख देते हैं, कोई बच्चा नहीं दिक्कत है, R के जगह पर हम क्या कर रहे हैं इसको रख दे रहे हैं, तो रोयल बाई A हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो बच्चा I और A को एक जगह पर समेट ले रहे हैं, तो I और A को एक जगह पर समेट लिए तो J आ गया। अब देखो J, और तो J के बराबर अब क्या हो जाएगा, V बाई में हो जाएगा बच्चा हमारा आई एल, सॉरी आई एल नहीं यार, बवाल कर देगा, तो बवाल कर देगा इधर रो एल, ये रो है बच्चा, तो J बराबर में क्या आ जाएगा, V बटा में रो एल। अब देखो यहाँ पर हमारे पास V की वैल्यू भी दी है, L की वैल्यू भी है 1 मीटर, और यहाँ पर रो की भी वैल्यू है, तो यहाँ पर आराम से अब J की वैल्यू निकल जाएगी, तो J बराबर में क्या होता भैया, J बराबर में एनी VD होता है, हमें VD की वैल्यू चाहिए ना, तो J बटा में एनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, J बटा में एनी। अब यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो, VD की वैल्यू निकाल सकते हो, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जे की वैल्यू निकालोगे ना बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप बच्चा जे की वैल्यू निकालोगे, अब जो जे की वैल्यू आप अगर निकालोगे तो बच्चा, तो आपका क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम मलाई की तरह मक्खन की तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या इतना बच्चा बात समझ में आ रहा है कि मक्खन की तरह हो जाएगा, कुछ बात को समझा करो बच्चा, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रख सकते, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पर देखो जे की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो स्वाहा देखो जे की वैल्यू के लिए जे बराबर में हमारा इतना आ गया था एक्सप्रेशन ऊपर, अब जे वी की वैल्यू 2 दिया था, रो की वैल्यू इतना दिया था, एंड एल की वैल्यू 1 मीटर दिया था। अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा तो इतना आ जाएगा, सॉल्व करना नहीं आ रहा तो बता दे रहा हूं मैं, ठीक ना। अब यहां पर देखो ना बच्चा, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 2 है ऊपर में 10^8 जाएगा, तो प्लस में 8 हो जाएगा, माइनस था ना नीचे, प्लस में 8 हो गया। यहां से देखो बच्चा क्या करो ना, 2 गुणे में 100 कर दो इसको, और गुणे में क्या कर दो बच्चा ना, कि यहां पर 10^6 कर दो, ठीक हो गया 6, यहां पर 50 दोनों क्या हो जाएगा बच्चा, 100 हो जाएगा। और अरे ये यार देखो यार, इसमें से 8 था ये ना, 8 था बच्चा, तो यहाँ पर हम 6 कर दिए, और यहाँ पर 100 निकाल लिए उसमें से, यानी 2 जीरो निकाल लिए, तो यहाँ पर 50 दूना 100, दिमाग ऐसे ही लगाना है। अब यहाँ पर दो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये वाला आ जाएगा, क्या बात समझ में आ रहा है। तो दिमाग ऐसे ही लगाना है आपको, कि यहाँ से छांट पाट के इधर उधर से किनारे से निकाल के भकंपन एकदम लगा दो, सवाल समझ गए है कि नहीं, समझ गए कि नहीं, ये वाला बात, ठीक ना बच्चा, समझना, ठीक ना, बाकी सारा समझ में आया। अब देखो अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था ना बच्चा कि जे बराबर में क्या होता है बच्चा, एनई वी डी होता है, अनुगमन वेग का फॉर्मूला वी डी बराबर में जे बेटा, आप जानते हो बेटा कि एनई होता है, अगर नहीं पता तो बच्चा ये आप देखो, आपको जरूर समझ में आएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बच्चा होता है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर जे का वैल्यू यहाँ पर रख दो, जे का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, और एनई की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, उसको ये देखो शानदार तरीके से हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया है। लेकिन मैं आपसे ये मतलब आपको ये बोलूंगा कि आप खुद से सॉल्व करो इसको बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करते हो तो बच्चा आपको और भी आसानी होगी, बात समझ में आ रहा है। नहीं तो हम चलो सॉल्व करके दिखाई देते हैं कि 4 गुणे में क्या हो जाएगा बच्चा, 10^8 इतना है, और यहाँ पर देखो बच्चा यहाँ पर 5, यहाँ से देखो बच्चा पॉइंट जब नीचे से हटाते हैं ना, तो नीचे से देखते कितने नंबर का पॉइंट है, 1 नंबर के बाद, तो ऊपर 10 बढ़ जाएगा अगर वहां से पॉइंट हटा दोगे, तो यहाँ से पॉइंट हटा दे रहे हैं, ठीक ना, पॉइंट इसीलिए ऊपर 10 बढ़ा दिया यहाँ पर। अभी बढ़ देखो बच्चा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 है बच्चा, यहाँ पर 16 है बच्चा, मतलब 5 यहाँ वाला, 16 वाला यहाँ पर, सब गुणा में है तो अलग कर ही सकते हैं, और 10^ 24 में से 19 गया बच्चा, तो कितना बचेगा, 10^5 बच जाएगा बच्चा, वही प्लस में, बात समझ में आ रहा है बच्चा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 10^5 में से 10^6 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 केवल 10 बचा, 5 से चला गया उसमें 1 बचेगा, बात समझ में आ रहा है बच्चा। और यहाँ पर 5 दूना कितना हो जाएगा बच्चा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चा कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, कितना क्या इतना बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 5 10, तो यहाँ पर देखो बच्चा 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया हमारा अनुगमन वेग। अब चूंकि SI मात्रक में ही हमको लाना था, यानी MKS में ही लाना था बच्चा, क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, बच्चे ए बच्चे मन के कच्चे, ठीक ना, मन के सच्चे भी हैं बच्चे, ठीक ना, मन के कच्चे नहीं हो सकते बच्चे, ठीक। अब यहाँ पर अगर मन के कच्चे हैं तो मन को मजबूत बनाओ, ठीक ना, दाएं बाएं
का पाला छोड़ो, पढ़ाई देखो और सक्सेस पाओ। अगर आप तुम्हें सक्सेस मिल गया तो बाबा पुजारी का कहना है कि तुम हर कुछ हासिल कर सकते हो। अगर एक बार सक्सेस मिल गया यानी नेम ऑफ फेम, एक अच्छा सा नाम कि हाँ यहाँ पर ये कौन है, ये कौन बालक है, राहुल नाम का कौन इंसान है, प्रियंशु नाम का कौन सा इंसान है, प्रिंस नाम का कौन इंसान है, अगर ये अगर आप फेमस हो गए तो क्या हो गया, आपके पास सब कुछ आ जाएगा यार, पैसा सब कुछ एवरीथिंग, ठीक ना। तो ये बात याद रखना, ठीक ना। ऐसे हिंदी मीडियम वाले बैच में हमारा एक प्रियांशु नाम का लड़का पढ़ता था। हाँ पढ़ने में अच्छा था लड़का, लेकिन ठीक ना ठीक। अरे वो हमारा घर तरफ का है यार, ठीक ना। अब ये मत बोलना है घर तरफ का है तो उसकी बड़ाई कर रहे, नहीं पढ़ने में लायक था, अच्छा मेहनत करता था, टेस्ट में हमेशा अच्छा नंबर लाता था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन झनझनाटेदार तरीके से लगाओ, ठीक ना। ये क्वेश्चन झनझनाटेदार तरीके से लगाओ यार, क्या बैठे क्या हो, लगाओ जल्दी से, ठीक ना। आंसर तो नकल मार लिया होगे, नहीं सर नहीं मारे, नहीं मार लिए होगे तुम, इतना विश्वास है, चलो लगाओ 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 जल्दी से, काहे नहीं आएगा, आएगा क्वेश्चन गुरु, आएगा एक एक क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक ना। लगाओ लगाओ, हम बैठे हुए यहाँ पर, लगाओ। चलो नहीं आ रहा है, देखो अगर आ रहा होगा तो कमेंट कर देना यार, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं बच्चा, आएगा जरूर आएगा, इतना अपने आप पर विश्वास बस रखो कि हमें आना है, तो प्रैक्टिस आप कर जोर करना। देखो बोल क्या रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि 15 मीटर लंबे एवं इतना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी लंबाई दे रखा है बच्चा और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दे रखा है, और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, धारा प्रवाहित होती है, उपेक्षणीय धारा प्रवाहित होती है, इसका प्रतिरोध इतना दे रखा है बच्चा, प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब बच्चा समझते हो ना, यानी रो की वैल्यू पूछ रही है, बात समझ में आ रहा है, यानी ए की वैल्यू दे दी है, एल की वैल्यू दे दी है, और यहाँ पर प्रतिरोध की वैल्यू दे दी है, तो ए की वैल्यू पूछ रही है, सीधे सीधा फॉर्मूले पर लग जाएगा ये, सीधे सीधा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मालिक मालिक, ये सीधे सीधा फॉर्मूला पर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है गुरु, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आर बराबर दिया, आप जानते हो रो एल बाई में ए होता है, ये इतना तो फॉर्मूला जानते ही हो, अब यहाँ पर यहाँ से रो का वैल्यू निकाल लो ना भाई, यहाँ पर आर ए बाई में एल हो जाना है, क्या बतवा समझ में आ रहा है ना, आर ए बाई में एल हो जाना है, अब यहाँ पर इतना बात समझ में आ गया, तो ये देखो अब इतना बात समझ में आ गया, तो यहाँ पर जब देखोगे गुरु कि यहाँ पर आर का वैल्यू रख दो 5 दिया था, ए का वैल्यू इतना दिया था, एल का वैल्यू इतना दिया था, धनाक धनाक सॉल्व कर दिए, 5 से 5 5 3 15 काट दिए, 5 3 15 काट दिए, 3 6 वगैरह 2 10 खाते -7 आपका आंसर आ जाएगा बच्चा, क्या आपको समझ में आया, आ गया सर बवाल करवा दिए आप, आ गया देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखो ये न्यूमेरिकल यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, और इसी तरीके के न्यूमेरिकल आप किताब में से भी लगाओगे, एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर सकते हो यार, वहां पर भी पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे ज्ञान वर्धक मैं बातें करता हूँ वहां पर, ठीक ना। बाबा आपके जो पुजारी बाबा है वहां पर ज्ञान को बांटते हैं, ज्ञान वर्धक बातें करते हैं, अलग अलग चीज मतलब अलग अलग चीजों के नाम पर अलग अलग टॉपिक पे हम ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, और इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो नाम आप लोग जानते हो कि पुजारी बाबा का नाम असली है जलज गुप्ता, तो जलज गुप्ता को जाकर वहां पर फॉलो कर सकते हो आप लोग, ठीक ना। कोई वहां पर ज्ञानवर्धक बातें करते रहेंगे यार, वहां पर भी लाइव आता रहता हूँ, यूट्यूब पे कम आता हूँ लेकिन वहां पर लाइव बहुत ज्यादा आता हूँ, ठीक ना। तो वहां पर चूंकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक ना, आपके बड़े भैया भी मिलेंगे, दीदी भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग भी मिलेंगे वहां पर, ठीक ना, तो आओ कभी बातें करते हैं वहां पर, ठीक ना। चलो अब आगे देख लेते हैं, अब देखो ये जो चीजें हैं ना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके आगे यूज होनी है, ठीक ना। चूंकि इस वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने बहुत सारे चीजों को बताया था, जो ओम के नियम में जो फर्स्ट हमारा क्या था टॉपिक था, ठीक ना, उसमें भी बताया था, लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर है क्या, नहीं ये क्या बोल रहा है कि महत्वपूर्ण अवयव व उनके क्या चीज प्रतीक है, महत्वपूर्ण अवयव उनके प्रतीक, यानी सर्किट डायग्राम में जो आप इन चिन्हों का प्रयोग करोगे ना बच्चा, उन्हीं चिन्हों का प्रयोग के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बात समझ में आ रहा है बच्चा। तो ये वाला छोड़ना नहीं है, ये बवालियर है, बहुत बवाल चीज है ये सब, ठीक ना। इसको नहीं समझोगे ना तो सर्किट डायग्राम को आप नहीं समझ पाओगे, ठीक। आगे देखते हो एक, देखो वैद्युत परिपथ किसको बोलोगे, कोई भी बंद पथ, ठीक ना, और बंद पथ क्या होना चाहिए, सर्किट से ये सर्किट हो गया, ये हो गया, ठीक ना, बल्ब लगा दिया तो ये सर्किट, कोई भी बंद पथ, ठीक ना, ये बंद एक तरीके का ये बंदी पथ आपको दिखने को मिल रहा था, क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बंदी पथ है कि एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है, कैपेसिटर लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बैटरी लगा दिया, तो एक बंद पथ यही परिपथ है हमारा, ठीक ना, कि वैद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को परिपथ कहते हैं। देखो वैद्युत धारा कभी तार इधर उधर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब सब ये कंबाइंड होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, यही बंद पथ आपका कहलाएगा, क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर वैद्युत सेल, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल। अब देखो वैद्युत सेल को किससे दिखाते हैं, तो इस तरीके से दिखाते हैं। देखिए वैद्युत सेल का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया केवल, लेकिन बैटरी की जब बात की जाती है ना, तो ये बोला जाता है कि बैटरी में बहुत सारे हम सेल को ऐड कर देते हैं, मतलब बहुत सारे जब सेल को ऐड जोड़ा जाता है, बहुत सारे सेल को जब जोड़ा जाता है तो हमारा क्या बनता है, बैटरी बनता है। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके का बैटरी बन जाता है। तो ये आप फिजिक्स की भाषा में ये सब सारी चीजों को याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुंजी की बात की जा रही है, तो कुंजी कैसे कैसे होंगे, देखो कुंजी प्लग कुंजी अथवा स्विच खुली स्विच कैसे होगी, खुली स्विच ऐसे होगी बच्चा, या फिर खुली स्विच हो, ये खुली स्विच में बच्चा जानते हो, ये देखो गलत बना दिया हमने, ये वाला चीज नहीं रहता। ये देखो खुली स्विच में कैसे केवल ऐसे रहेगा, ये ट्विंग उड़ गया और ये, ठीक ना, ये खुला स्विच है, कैसा है बच्चा, खुला स्विच। अगर इसको ऐसे करते तो ये बंद हो जाता है, ऐसे ऐसे एरो खोज दिया तो ये बंद हो जाता है, ऐसे खुला स्विच होगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर गलत बना दिया था, इस एरो को ऐसे मत झुकाना यहाँ पर, क्योंकि ये खुला स्विच है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा यहाँ पर, ठीक ना, इतना बात समझना, ठीक ना, ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगला जो है कि अगला देखो यहाँ पर मजेदार चीज है, बवालिया चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, कि प्लग कुंजी अथवा स्विच बंद, अब कुंजी हो क्या हो, बंद कुंजी हो, तो बंद कुंजी में क्या करेंगे बच्चा, बंद कुंजी में आराम से आप इसको ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे प्यार ऐसा ऐसे, तो ये बंद हो गया, यानी ऐसे करके ऐसे ऐसे और यहाँ पर ऐसे कर दो तो ये बंद कुंजी कहलाता है, यानी बीच में जब ऐसे कर दिया तो बंद कुंजी, और ऐसे केवल है तो बच्चा तो ये खुला है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, अगर ऐसे 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 करके ऐसे कर दिया तो ये बंद कुंजी कहलाने लगा, और ऐसे ऐसे ये खुला कुंजी कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, ठीक ना। तो ये तार संधि, यानी तार को जोड़ना, ठीक ना, तार को जोड़ने के, संधि का मतलब जहां पर बहुत सारे तार आके मिले, यानी तार को हमने जोड़ रखा है, ठीक ना, तो तार संधि को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक ना। ये बीच में एरो दे देते हैं, यानी बीच में सॉरी एरो नहीं देते हैं, बिंदु दे देते हैं। बात समझ में आ रहा है, एकदम लाली लाली बिंदी, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, तो ये बात आप समझना है आप, ठीक। तो यहाँ पर ये बात आप समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक ना। तार क्रॉसिंग क्या होता है, तार क्रॉसिंग देखो, तार को क्रॉस करना, यहाँ पर इस तरीके से तार क्रॉसिंग को दिखाते हैं, यानी तार यहाँ पर, तार क्रॉसिंग का मतलब तार यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, यानी एक तार अगर इस तरीके से जा रहा है, यानी ये तार इस तार का इस तार के साथ, इस तार का इस तार के साथ कोई मतलब नहीं है, मतलब ये दोनों कनेक्ट नहीं है, जुड़े हुए नहीं है आपस में। बात समझ में आ रहा है, बस तार को क्रॉस किया गया है वहां से, यानी आवरण लगा रहेगा यहाँ पर, आवरण रहेगा, आवरण का मतलब दोनों तार एक दूसरे को भी टच नहीं करेंगे, टच कर लेंगे तो बवाल हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए तार इन दोनों को टच नहीं करेंगे। क्या इतना बात कंफर्म हो गया, अब आगे देखते हैं। एमीटर देख लो भैया, एमीटर देखो, एमीटर की बात की जाए तो एमीटर को इस तरीके से दिखाओगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए भाई ना, कि यहाँ पर ये भी तो किसी ना किसी तार से जुड़ा होगा ना, है कि नहीं। ऐसे एमीटर को सेरेडी क्रम में जोड़ते हैं, ये हमने बता रखा था आपको, और जो वोल्ट मीटर होता है इसको क्या करते हैं, पांच क्रम में जोड़ते हैं। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, वोल्ट मीटर को इस तरीके से, पांच क्रम को ही भैया समांतर क्रम बोलते हैं, बुला मत जाना, नहीं गोली मार देंगे। हाँ, कौन वाला गोली, पैरासिटामॉल, ठीक ना, बीमार पड़ोगे तो गोली नहीं दे सकते हैं, कहा टीचर है यार, थोड़ा ख्याल रहता है तुम लोगों का। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर प्रतिरोध है, प्रतिरोध देखो, प्रतिरोध को इस तरीके से दिखाते हैं सर्किट के अंदर, तो ये भी याद रखना आप। ये सब देखो सिंबल है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो बवाल हो जाएगा भैया, एक बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, चढ़ी हुई होनी चाहिए कि नहीं हमें पता है सर, हम कर लेंगे सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो अगला है उसको ये परिवर्ती परिवर्ती प्रतिरोध बोला जाता है, या एडजस्टेबल, और क्या बोला जाता है बच्चा, एडजस्टेबल, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में हमने ये की बात बताया कि अगर कभी भी रेजिस्टेंस का नाम आए तो उसका मतलब क्या होता है कि धारा के प्रवाह में रुकावट। तो गुरु हमेशा यहां पर आपको ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो यहां पर, ठीक ना, तो यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध यानी रियोस्टेट उसको बोलते हैं। अच्छा, ये करता क्या, हमने यहाँ इसके बारे में आपको बता रखा कि ये देखो करंट को कंट्रोल करता है। क्या करता है, करंट को कंट्रोल। देखो रियोस्टेट आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, जस्ट लाइक आपका जो पंखा वाला रहता है ना, तो पंखा को, पंखा के स्पीड को कम बेसी करने के लिए क्या यहाँ पर लगा रहता है, एक जिसपे नंबर लगा रहता है, एक पे चलाओगे धीरे धीरे पंखा, दो पे चलाओगे तेज आओ तेज, पांच पे चलाओगे फन फन आगे चलेगा, और जीरो पकड़ दो पंखा बंद, ठीक ना। तो यहाँ पर ये लगा रहता है, तो ये रियोस्टेट वही काम करता है बच्चा, कि यहाँ पर करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर करंट कंट्रोल है, मतलब करंट को कम कर दे रहा है, फिर बढ़ा दे रहा तो अधिक कर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है पंखा भी तो उसी के हिसाब से दौड़ेगा ना,
तो बतवा समझा यार गुरु, बतवा समझा यहाँ पर, बतवा समझवा तबे जाके आगे बढ़वा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रिस्टोर का मतलब ये होता है करंट को कंट्रोल करता है। इतना बात समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। वाह गुरु, वाह सर, बवाल कर दी, बवाल कर। देखो यहाँ पर रिस्टेट को आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक, बात क्या समझ में आ रहा है बच्चा? क्या बात समझ में आ रहा है? रिस्टेट को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, यानी ऐसे 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 कुचुक कुचुक करके, कुचुक कुचुक करके, कुचुक कुचुक। हमारे फिजिक्स वाले सर भी बोलते हैं, फिजिक्स वाला सर भी कुचुक 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 किचुक किचुक किचुक, ठीक ना? तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो है इस तरीके से आप कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यार मतलब इस तरीके से इसे खींच दोगे ना तो ये रियोस्टेट कहलाएगा, करंट को कंट्रोल करेगा। बस बस धुआंधार। या देखो इस रियोस्टेट को आप इस तरीके से भी, कहने का मतलब ये है गुरु कि कभी भी ये सब जो साइन है दिख जाए कहीं पर तो आप समझ जाना कि ये रियोस्टेट है और ये करंट को कंट्रोल करने के लिए सर्किट में लगाया गया है। सब समझ गए भाई? समझ गया कि नहीं? समझो यार बालक, समझो बातों को, समझो भावनाओं को, समझो सब चीज को समझो, तब तो आगे बढ़ोगे ना। अब यहाँ पर देखो, आगे देखो, आप आगे ये वाला जो है ये बल्ब को दिखाता है। बल्ब ये तो बहुत बहुत ईजी है। तो कुल मिलाकर के आपने पूरे पूरे ये सर्किट डायग्राम को देख लिया। ये नोट्स आपको शानदार जो नोट्स है ये मिल जाएंगे आपको, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। ठीक ना? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, इसके लिंक सुझाओ यार, और वहां पर जा करके इस नोट्स को डाउनलोड करो और बवाल कर दो एकदम। क्या कर दो? बवाल कर दो। देखो रे वो एकदम प्यारा सा नोट है, तो ये वनली फॉर यू, वनली फॉर यू बच्चा, बच्चा पार्टी वनली फॉर यू। देखो ये नोट्स मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं भैया ने कुछ तो मेहनत किया है ना हम लोगों के लिए। ठीक ना? थोड़ा मोड़ा मेहनत कर दिया है हम लोग के लिए। अरे यार कमेंट में करके बताया करो यार, तब तो दिल खुश होगा ना, दिल मांगे मोर। ठीक, तो ये कुल मिला करके ये देखो नोट्स रहा इस तरीके का दिखेगा, वो भी पुजारी आपके पुजारी भैया के द्वारा लिखा हुआ है ये नोट। ठीक ना? तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, जाओ बवाल करो, पढ़ो लिखो, मतलब तहलका मचा दो यार, तहलका मचा दो। जाओ जाओ जाओ।